फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए स्मोक रीडिंग लेकर आई हूँ और देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपसे जुड़े लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, हद से ज़्यादा कंजूसी दिखाते हैं हर चीज़ में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, हर तरह से जो है आपके साथ में कंजूसी दिखा करते हैं। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप शायद हो सकता है कोई जॉब वगैरह करते हों, और जॉब से रिलेटेड ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं आप। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, लेकिन अभी आप उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको मायूसी हाथ लगती है। आपने बहुत सपने देखे थे, बहुत सपने बुने थे। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे और कितने फन करने वाले पर्सन हैं। मोमेंट टू मोमेंट जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लेकिन अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। जो आपने अभी तक जो अपनी लाइफ में सब कुछ सहन किया है या फिर आपने जो भी जिया है अभी तक, उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप ये सोच रहे थे कि अभी तो हम खुशी खुशी जिंदगी जियेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा हो और अभी आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपकी शादी को हो सकता है 15-20 साल हो गए हों, या किसी को 9-10 साल हुए हैं, या किसी को जो है यहाँ पर 4-5 साल या 8-9 साल हुए हैं या 6 साल हुए हैं, और अभी आप सोच रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, अब तो मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अभी आप थक हार करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। इन कर्मों को आप कंप्लीट कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं सब चीज़ों को। आप उनसे बाहर निकल करके जीना चाहती हैं और आपका मन ट्रैवल करने को भी करता है। आप अभी काफ़ी लेजी भी हो रही हैं। जो काम आप टाइम पर कर लेते थे सब कुछ, वो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरे पूरे दिन थोड़े थोड़े काम को ही लेकर के बैठे रहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस की आपकी लाइफ में इतनी बर्डन है, इतनी बर्डन है कि लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये कैसा पर्सन हो गया है। पहले टाइम टू टाइम सब काम होता था इसका, अप टू डेट रहता था ये हर चीज़ में, और आप अच्छा खाना, अच्छा पहनना और हर तरह से जो है ये फास्ट काम करना। तो अभी इसकी लाइफ में इतना जो है स्ट्रगल है, अभी इसकी लाइफ इतनी पेनफुल चल रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी लाइफ में इतनी फाइटिंग क्यों होती है। शायद आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा बुरे हैं कि आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और अभी आप जो है बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं, आप थक चुके हैं इस फाइटिंग को देख देख करके, सहन कर करके और झेल झेल करके आप जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब आप जो है अपनी इंट्यूशन की भी सुनते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी भावनाओं को, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, लोग आपको पागल बताते होंगे कि आप पागल हो गई हैं, आप जो है किसी की बात को सुनते नहीं है। ये सब चीज़ें आपके ऊपर जो है बर्डन हो गई हैं। अब आप इन चीज़ों को सोचते सोचते, सुनते सुनते थक चुके हैं, बर्डन फील करते हैं कि बस अब तो पीछे छूट जाए इनसे। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके दूर जाना चाहते हैं, इनको लेट गो करना चाहते हैं। ये जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे कोई आसपास के लोग पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाइस कि अभी आप जो है थक चुके हैं, इन चीज़ों से हार चुके हैं और अपनी वही लाइफ आप जीना चाहते हैं जो लाइफ आप पहले जीते थे। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि पहले आप काफ़ी एडवेंचर करते थे, लेकिन अभी आपकी लाइफ से एडवेंचर भी गायब हो गए हैं। बच्चों की तरह खुश रहना, या हो सकता है कि आप जो है कोई टीचर हो सकते हैं, बच्चों के साथ में बहुत खुश रहते होंगे, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा हंसते होंगे, खुश रहते होंगे, लेकिन अभी आपकी लाइफ से हंसी गायब हो गई है, आपकी लाइफ से खुशी गायब हो गई है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जो है ऐसे लोगों को सर्व करते करते थक चुके हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजूस लोग हैं। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है। आपको कुछ नहीं दे रहे हैं और बदले में सिर्फ आपको पेन दे रहे हैं, सिर्फ आपको जो है कर्मा ही कर्मा भोगने पड़ रहे हैं, अपने बुरे कर्मा, ऐसे कहते हैं कि आपके बुरे कर्मा है, और आप उनसे थक चुके हैं। अब उनको झेलते झेलते आप थक चुके हैं, अब आप और सहन नहीं करना चाहते, इसलिए आप लेट गो करना चाहते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है।
तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि लोगों को सब समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है इतना थक चुका है, इतना ज्यादा झेल चुका है, इतना सब कुछ सहन कर रहा है, ये डिजर्व नहीं करता है। तो गाइस मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहे हैं वो यही है कि लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, चाहे आप चार दीवारी के अंदर ही बंद क्यों ना हो, लेकिन लोगों को सब समझ में आ रहा है कि आपके साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है, कितनी लोग जो है आपके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता है। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि इसके साथ में नाइंसाफी हो रही है। तो आप ये तो चिंता ना करें कि किसी को पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप झेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को भी सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ वो बोलती इसलिए नहीं है कि वो आपके फैमिली में या आपके जिंदगी में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो बोलते नहीं है, लेकिन पता सब कुछ है। तो ये चिंता करना छोड़ दीजिए, आपके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, आपको अच्छा देखते हैं, और जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, वो सब कुछ उनको पता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में, इतनी स्ट्रगल देखने के बाद में लाइफ में, और वो सब कुछ मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हो आप, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग जो है उनके बारे में वो बुरा सोचते हैं कि वो आपको जो है जिंदगी जीने नहीं देते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9466882423, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।